अस्सलाम गाइस, दिस इज़ वरीद। गाइस, आज की स्टूडियो में बात करने वाला हूँ मी यू आई 11 के थीम्स के बारे में, जो कि मैंने अपने रेडमी नोट 8 के अंदर ऑफिशियली इंस्टॉल कर रखे हैं और डाउनलोड कर रखे हैं। तो चलिए सबसे पहले ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा कि वो 5 बेस्ट थीम कौन से हैं गाइस, तो जो कि आप लोग मी यू आई 11 के ऑफिशियल थीम स्टोर से ईजीली इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, उनको डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो सबसे पहले थीम की बात करते हैं गाइस, जिसका नाम है पिक्सेल एक्सपीरियंस थीम, पिक्सेल एक्सपीरियंस ड्यूल। तो ये नाम आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके जो चेंजिंग की बात करते हैं, सेकेंड थीम की बात करते हैं जो कि है गूगल एक्सपीरियंस 4.0 ड्यूल, जो कि आप लोग थीम स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। तो चलिए इसके जो जो फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले डबल टैप अगर आप करेंगे तो यहां से आप लोग इजीली वॉलपेपर्स को चेंज कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लगता है गाइस। एक ईजी मैथड है, यहाँ से आप लोग इनके वॉलपेपर्स को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आइकन्स की बात करें तो आइकन्स कम्प्लीटली आपके गूगल एक्सपीरियंस की तरह हो चुके हैं गाइस। उसके बाद लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन में भी आप लोग देख सकते हैं विजिट गूगल का है और गूगल का ही वॉलपेपर आप चेकआउट कर सकते हैं। स्टेटस बार में आप लोग चेक करते हैं तो स्टेटस बार के कम्प्लीटली जो है वो डार्क हो चुके हैं और एक काफ़ी ज़बरदस्त लुक दे रहे हैं। डार्क मोड में भी ये एक्टिवेट हो जाएगा, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं होगा गाइस, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर डार्क मोड को एक्टिवेट करते हैं तो डार्क मोड में भी ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता है गाइस। अगर बात करें हम लोग अपने नेक्स्ट थीम की, जो कि है रेड एंड ब्लैक स्पाइडरमैन V11, जो कि थीम स्टोर के ऊपर आपको इजीली मिल जाएगा गाइस, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इसकी बात करते हैं आइकन्स की, तो आइकन्स इसके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी 3D टाइप और एक ट्रांसपेरेंट टाइप लुक दे रहे हैं, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। रेड एंड ब्लैक स्पाइडरमैन, स्टेटस बार में कोई भी चेंजिंग नहीं है, वही के वही आप लोग एक वॉलपेपर आपको मिलेगा स्पाइडरमैन का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको एक वॉलपेपर और एक विजेट विजिबल नज़र आएगा। तो गाइस बात करते हैं अपने नेक्स्ट थीम की, जो कि है One UI, सैमसंग का एक लेटेस्ट UI है, जिसका ये थीम ऑफिशियली आप MIUI थीम्स के ऊपर मिल जाएगा। MIUI थीम्स ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप लोग यहाँ इजीली सर्च कर सकते हैं, और ये काफ़ी ट्रेंडिंग थीम है, तो गाइस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इसके आइकन्स की बात करें तो टोटल के टोटल आपके One UI की तरह ही दिखाई देते हैं, और उसके बाद वॉलपेपर्स और एक विजेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद अगर स्टेटस बार के आइकन की बात करें तो वो आप लोग इसी तरह सेम आपको MIUI 11 के ही मिलेंगे। तो नेक्स्ट थीम की बात करें, नेक्स्ट थीम हमारा है Huawei P30 Dual V11। तो गाइस इसमें आप लोगों के आइकन्स तकरीबन चेंज हो चुके हैं सबके सब, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस पैनल है, वो आइकन्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं, कंट्रोल सेंटर और इसके जो एंटीनाज हैं और बैटरी का आइकन, और गाइस ये विजेट जो है ये काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, लुक इसकी कमाल की है। और गाइस यहाँ पे आप लोग ब्राइटनेस का भी विजेट को मिनिमाइज और मैक्सिमम कर सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ से आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त थीम है। लॉक स्क्रीन की बात करें, लॉक स्क्रीन में भी आपको एक विजेट और सिंपल आपको एक लाइव वॉलपेपर आपको बैकग्राउंड में रन होता हुआ दिखाई देगा गाइस। आप नेविगेशन बटन्स को चेक करें तो वो भी चेंज हो चुके हैं। उसके बाद आप स्टेटस बार में चेक करते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त है, एक ट्रांसपेरेंट शेडी टाइप का एक आपको लुक दे रहा है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। और बैटरी का आइकन भी टोटली का टोटली चेंज हो चुका है। उसके बाद जो आपका ब्राइटनेस बार है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है गाइस। नेक्स्ट थीम की बात करें, नेक्स्ट थीम जो है वो है हमारा गाइस मिस्ट एड डॉन V11। तो तमाम के तमाम आपको MIUI थीम स्टोर के ऊपर इजीली मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं गाइस। एक वॉलपेपर इसका ज़बरदस्त लग रहा है गाइस, उसके बाद एक जो फीचर इसका कमाल का दिया गया, उसके बाद आइकन इसके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं गाइस।
उसके बाद अगर आप स्टेटस बार में जाते हैं, स्टेटस बार में भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग नज़र आएंगी गाइज। तो ये आप लोग यहाँ से थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। अपने नेक्स्ट थीम की बात करें जिसका नाम है गाइज पैराडाइज, तो ये एक काफ़ी ज़बरदस्त थीम लग रहा है मुझे गाइज, और मेरा फेवरेट थीम यही है, तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं इसका। पर सबसे पहले आपके स्टेटस बार की बात करें, काफ़ी मिनिमलिस्टिक आइकन्स आपको नज़र आएंगे। उसके बाद आप अगर यहाँ से चेंजिंग करेंगे गाइज, बैट जो ब्राइटनेस बार है वो काफ़ी लुक ज़बरदस्त लग रही है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, डार्क मोड के अंदर ये एक्टिवेट रहेगा, तो आप यहाँ पे भी इसको चेंजिंग नज़र आएंगी आपको। अगर आप डार्क मोड एक्टिवेट करते हैं तो कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। आपका बैटरी जो इंडिकेटर है वो भी चेंज हो चुका है, आपके जो एंटीनाज हैं, जो नेटवर्क के सिग्नल्स हैं, वो भी आइकन्स चेंज हो चुके हैं गाइज, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये थीम स्टोर के ऊपर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज सब बात करें इसके आइकन्स की, तो आइकन्स भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं, और एक काफ़ी ज़बरदस्त किस्म थीम है गाइज। और ये वॉलपेपर आप चेकआउट कर सकते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ का वॉलपेपर आप चेकआउट कर सकते हैं गाइज। और एक विजेट जो है वो गूगल पिक्सल की तरह विजेट आपको यहाँ पर नज़र आएगा गाइज। बात करें अपने नेक्स्ट थीम की गाइज, तो नेक्स्ट थीम का नाम है स्टैंडर्ड V11। तो गाइज इसकी बढ़िया जो बात है इसका वॉलपेपर गाइज, आप देख सकते हैं वॉलपेपर काफ़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद गाइज आप इसके जो है आइकन्स को चेक कर सकते हैं स्टेटस बार के। उसके बाद बैटरी का जो इंडिकेटर वो चेंज हो चुका है। उसके बाद इसकी लॉक स्क्रीन की बात करें, लॉक स्क्रीन में वही आपको चेंजिंग मिलेगी, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं मिलेगी गाइज। तो काफ़ी ज़बरदस्त एक थीम है, एक सिंपल सा थीम बनाया गया, तो आप इसको भी चेकआउट कर लेना। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट थीम है वो एक काफ़ी ज़बरदस्त थीम है, आप ये चेकआउट कर सकते हैं। एक छोटा सा वॉलपेपर आपको चेकआउट करने को मिलेगा, विजेट का काफ़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे वॉलपेपर्स बिल्कुल डार्क हो चुके हैं, उसके बाद आइकन्स भी बिल्कुल डार्क हैं। उसके बाद स्टेटस बार की बात करें, जो कि वाइट एंड डार्क का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है गाइस। उसके बाद बैटरी इंडिकेटर वो भी चेंज है। उसके बाद आइकन्स आपको काफ़ी ज़बरदस्त किस्म के मिलेंगे गाइस। सबसे बढ़िया बात इसके नेविगेशन बार काफ़ी मिनिमलिस्टिक और काफ़ी सेक्सी लग रहे हैं गाइस, आप चेकआउट कर सकते हैं। और गाइस यही थे इन तमाम के तमाम थीम्स जो मैं आपको बताने वाला था गाइस। और अगर आपको मेरा कंटेंट या वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर लाजमी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के लेटेस्ट आने वाली वीडियो को आप लोग वॉच आउट कर सकें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।